नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। हलषष्ठी और भगवान बलराम की जयंती के अवसर पर कृषि क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड घोषित किए जाने पर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे किसानों की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हलषष्ठी और दाऊ जन्मोत्सव किसानों का बड़ा त्यौहार है। उन्होंने कहा कि इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि की जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। किसान अब मजबूर नहीं और मजबूत होंगे। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अब किसान अपने खेत खलिहान घर से अपनी फसलों का सौदा कर सकता है। किसान के पास फसलों के भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा गाँव में ही होगी। वह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपनी उपज से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। इसके लिए किसानों की 10,000 समितियां बनाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। और इस त्योहार के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है और कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1,00,000 करोड़ की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए 8,55,00,000 किसानों के खातों में सीधे जमा किए हैं। उसके लिए मैं किसानों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बलराम जयंती के अवसर पर ये सौगातें भारत के किसानों को और मध्य प्रदेश के किसानों को दी है। सही मायने में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं तो एक समय था जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं और 85 पैसे सत्ता के दलाल खजाते हैं। उस समय पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के सत्ता थी और इसलिए दलाल भी उन्हीं के थे। लेकिन मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा और वो उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है, व्यवस्था परिवर्तन करके। और आज उन्होंने जो एक बटन दबाई है, किसानों के खातों में जमा हो गए। इसी से अब देश आत्मनिर्भर होगा। सुशासन, ईमानदार शासन, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाने का मादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। 21वीं सदी भारत की होगी वो तभी होगी जब किसान मजबूत होगा और इसलिए आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर किसान से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत होगा। निश्चित रूप से हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम खेती को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे और मध्य प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे, उसमें हम सफल होंगे। यही हम भगवान बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।